नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। मैं राधा बकुत्रा आपके साथ न्यूज रूम में चर्चा करेंगे आज कुछ खास खबरों की। और मध्य प्रदेश में कॉलेज यूनिवर्सिटी की जो परीक्षाएं हैं वो ऑफलाइन ही होंगी। मंगलवार को उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के साथ सभी कुलपतियों ने बैठक की, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि जो एग्ज़ाम्स हैं, जो परीक्षाएं हैं, वो ऑफलाइन ही होंगी। अगर कोई छात्र किसी कारणवश अगर वो बीमार होता है या उसे पॉजिटिव अगर वो आता है तो उसे अपनी रिपोर्ट, पॉजिटिविटी कोविड की जो रिपोर्ट है, वो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में जमा करनी रहेगी और 10 दिन बाद उनकी वापस से री एग्ज़ाम होगी। सो ये निर्णय तय है कि जो परीक्षाएं हैं बच्चों की, जो परीक्षाएं हैं यूनिवर्सिटीज़ की, वो ऑफलाइन ही होगी, वो किसी भी कारण से ऑनलाइन नहीं होने वाली हैं। और ये निर्णय आज पूरी तरीके से पक्का हो गया है। सारी चीज़ें यहाँ पर फाइनल हो गई हैं कि जो यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम हैं वो ऑनलाइन नहीं होगी, ऑफलाइन ही कैंपस में आके छात्राओं को परीक्षा देनी रहेगी। इसी के साथ अगर हम बात करें 10वीं और 12वीं के बारहवीं में पढ़ रहे छात्रों की, छात्राओं की, तो उनके लिए CBSE ने एक वेबसाइट पे सैम्पल क्वेश्चंस पेपर लॉन्च करे हैं, जहाँ से वे डाउनलोड करके वहाँ से वे अपना अभ्यास कर सकते हैं। 20 जनवरी से प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं, जिसके लिए CBSE ने ये क्वेश्चन पेपर उनकी वेबसाइट पे लॉन्च करे हैं। हम आपको वो वेबसाइट बता दें, cbseacademic.nic.in से जो भी छात्र हैं, CBSE के छात्र हैं, वे वहाँ से पेपर जो है वो ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी परीक्षा के लिए वो तैयारियां कर सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की ओर, जो आ रही है भोपाल से, जहां एक बहुत ही अहम ऐलान करा गया है। मध्य प्रदेश में अब घरेलू हिंसा से पीड़ित किसी भी बालिका या महिला को सरकार की तरफ से 4 लाख रुपये की आर्थिक मदद मिल सकेगी। इसके लिए मंगलवार को आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जहां पे ये मुख्य निर्णय लिया गया कि किसी भी युवती को, किसी भी महिला को अगर वह घरेलू हिंसा का शिकार हुई है तो उसे 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिल जाएगी, जो कि बहुत ही बड़ी और अहम खबर जुड़ रही थी। अब बात करेंगे ई स्पोर्ट्स की ओर। ई स्पोर्ट्स लगातार बढ़ता जा रहा है। ई गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग जो है वो युवाओं में, बच्चों में काफ़ी ज़्यादा चर्चित है। ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के कारण, ऑनलाइन एजुकेशन के कारण ई गेमिंग का जो क्रेज़ है वो बच्चों में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जिसके चलते एक साइबर एक्सपर्ट द्वारा एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जहां पे पेरेंट्स के लिए, स्पेशली जो पेरेंट्स हैं उनके लिए गाइडलाइन, एक एडवाइजरी जारी करी है कि वो कैसे अपने बच्चे की देख रेख कर सकते हैं, कि वे ऑनलाइन क्या चीज़ें कंट्रोल में रखते हैं, क्या चीज़ें वो देख रहे हैं, क्या वो गेम्स खेल रहे हैं, क्योंकि लगातार ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं ना सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश में भी, जहां ऑनलाइन गेमिंग के कारण छात्र, जो बच्चे हैं, वो कोई ऐसे कदम उठा रहे हैं जो उन्हीं के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं। तो ऐसे में जो एडवाइजरी जो लागू करी गई है साइबर एक्सपर्ट्स द्वारा, वो ये है कि बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के लिए बिना सिम कार्ड वाला मोबाइल दें, उनको डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्ट हो ऐसा मोबाइल ना दें, आप उन्हें वाईफाई से कनेक्ट करके मोबाइल उनके साथ दीजिए। और जो प्ले स्टोर है वहाँ पर पेरेंटियल कंट्रोल होता है, प्ले स्टोर पे वो पेरेंटियल कंट्रोल का जो एप्लीकेशन है वो ऑन रखें, ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे कि आपका बच्चा किस समय क्या गेम खेल रहा है या ऑनलाइन उनकी एक्टिविटीज़ क्या है। और उसी के साथ ही उस जो पासवर्ड है वो बच्चों के साथ आप ना शेयर करें। एक और जो खास अहम चीज़ उन्होंने, एक और एडवाइजरी जो जारी करी है, कि बच्चों के मोबाइल में कोई भी किसी भी तरीके का ई पेमेंट ऐप, जैसे कि पेटीएम या कोई भी ऐसा ई पेमेंट ऐप उनके मोबाइल में ना रहने दें, जिससे कि वो जो प्ले स्टोर ऐप से जब वो गेम डाउनलोड करते हैं तो उसका वो पेमेंट कर सके। ये कुछ एडवाइजरी जो है वो साइबर एक्सपर्ट द्वारा लागू करी गई है पेरेंट्स के लिए, ताकि वे अपने बच्चों को मॉनिटर कर सके वे ऑनलाइन क्या चीज़ें, क्या एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं। आगे अगर बात करें आज की पॉजिटिव खबर की ओर, तो तीसरी लहर अभी चल रही है, तीसरी लहर की रफ्तार जो है वो वाकई दूसरी और पहली लहर की तुलना में बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो कोविड वार्ड का जो माहौल है वे काफ़ी
जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिविटी के साथ में नज़र आ रहा है, जो वीडियोस जो फोटोज़ आ रहे हैं कि कोविड पेशेंट जो हैं इस बार एक दूसरे से बचने की जगह एक दूसरे का ख्याल रखते हुए नज़र आ रहे हैं, वे एक दूसरे को ऐसे परहेज़ करने की जगह एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे कि उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता है या नहीं। सो ये जो है वो एक बहुत ही पॉजिटिविटी एक अप्रोच सामने आया है कि लोग यहाँ पे घबराते ना दिखते हुए एक दूसरे की मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और तीसरी लहर में भी जो एक बहुत अच्छी चीज़ जो सामने आ रही है वो ये है कि 3 दिन में जो मरीज़ हैं वो ठीक होके जा रहे हैं, और अगर किसी मतलब अगर कोई पेशेंट पॉजिटिव आ रहा है तो उसे 7 दिन में उसकी रिकवरी भी यहाँ पर नज़र आ रही है। सो ये एक बहुत अहम चीज़ है जो सामने आई है। तीसरी लहर सही में भी खतरनाक है, बहुत ज़्यादा रेट से पॉजिटिविटी रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा मरीज़ सामने आ रहे हैं, इसलिए कई बार ये अपील करी गई है कि आप जब भी बाहर निकलें तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान रखें। इसी के साथ आज के बुलेटिन में भी इतना ही, आज के न्यूज़ रूम में भी यही चर्चा, यही अहम मुद्दे थे जो हमें आप सबसे शेयर करने थे। एक और अपील MP न्यूज़ TV भी आपसे करना चाहता है कि जब भी आप बाहर निकलें तब मास्क ज़रूर पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और सोशल गैदरिंग अगर हो सके तो वो कुछ समय तक अवॉइड करें, ताकि ये तीसरी लहर से हम कहीं ना कहीं बच सके और आगे हम अच्छी तरफ अच्छे रुतबे से हम आगे और बढ़ते रहे। इसी के साथ ही हम लेते हैं आपसे अलविदा, नमस्कार। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।